तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि आप स्विगी से अपने रेस्टोरेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्विगी से अपने रेस्टोरेंट को ऐड करना चाहते हैं, अगर आप जोमेटो से अपने रेस्टोरेंट को ऐड करना चाहते हैं या फूड लाइसेंस आप बनवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नीचे दिए गए नंबर पर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर स्विगी पर ऑनबोर्डिंग करने अगर आप जाते हैं खुद से और वहाँ पर आपने ऑनबोर्डिंग भी किया है और आपका पेमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है वहाँ पर, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप स्विगी पर खुद से ऑनबोर्डिंग करते हैं तो वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आता है। बहुत लोगों को वहाँ पे दिक्कत होता है, बहुत सारा वहाँ पे इशू आ जाता है। एड्रेस वगैरह वहाँ पे दिखाता है कि आपका गलत है, आपका फूड लाइसेंस पे कुछ और एड्रेस है और आपका यहाँ पे जोमेटो में मतलब स्विगी में आपको कुछ और एड्रेस शो हो रहा है। तो ऐसा ऑप्शन बहुत ज़्यादा आता है लोगों को। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर हमसे डायरेक्ट कॉल करके बात करके आप यहाँ पर ऑनबोर्डिंग को कम्प्लीट करवा सकते हैं और इसके बाद आपका रेस्टोरेंट यहाँ पर हम लोग 4 से 5 घंटे में स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले चाहिए 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स, जो कि है फूड लाइसेंस, रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड, पैन कार्ड का फोटो, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। अगर ये सब यदि आपके पास आईडी है तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से अपना क्लाउड किचन हो या रेस्टोरेंट हो या कुछ भी हो, ढाबा हो या फिर रेडी हो, आपका ठेला ही क्यों नहीं है। हमने यहाँ पर बहुत सारा ऐसा ऐसा ऑनबोर्डिंग किया है स्विगी और जोमेटो का जो केवल घर से मतलब घर से ही स्टार्ट कर रखे हैं, क्लाउड किचन उनका या फिर उनका ठेला वगैरह भी है जो बाहर ठेला पर जो बेचते हैं, छोटा मोटा काम वगैरह करते हैं, उनका भी यहाँ पे हम लोग स्विगी और जोमेटो से ऑनबोर्डिंग किए हैं। और जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है जो उनका भी हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है, आपको ओटीपी डाल के इंटर करना होता है और इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली नीचे में लेट्स बिगिन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपका यहाँ पे ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, विदाउट जीएसटी के ही हमने यहाँ पर 99% रेस्टोरेंट को ऐड किया है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि आपको रेस्टोरेंट का आपको यहाँ पे नाम सेव करना होगा। तो आपने जो भी नाम रखना है आप यहाँ पे उसको आप टाइप कर दे और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका नाम यहाँ पे सेव हो जाएगा रेस्टोरेंट का और उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जो फॉर्म होता है ऑनबोर्डिंग का वो आपके सामने आ जाएगा। तो हमने इस चैनल पे बहुत सारा ऑनबोर्डिंग का वीडियो अपलोड कर रखा है, जोमेटो पे आप कैसे ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं, स्विगी पे आप यहाँ पे कैसे ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। तो हमने जितने लोगों का किया है, रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, सबका हम वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। तो आप यहाँ पर उसको जा करके देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फ़ोन से करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है वह होता है पेमेंट का। आपका पेमेंट कट जाता है और आपको वहाँ पर दोबारा से पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। स्विगी का जो ऑनबोर्डिंग फीस होता है 589 वो आपको पे करना होता है। तो ऐसा इशू मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, मेरे पास हर रोज़ मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह आता है कि मेरा पैसा कट गया और ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है। तो फोन से पेमेंट करने पे और स्टार्ट करने पे ऑनबोर्डिंग ये सबसे बड़ा दिक्कत आता है। तो अब हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा रेस्टोरेंट का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। आपको सबसे पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट पे अपना नाम डालना है, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपना रेस्टोरेंट का लोकेशन ऐड करना है, फिर ईमेल आईडी डालना है और आप यहाँ पे ऑल डेज सेलेक्ट करना जो भी आपका डेज है जिस दिन आप यहाँ पे जोमेटो स्विगी पर ऑनलाइन आना चाहते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्लोजिंग और ओपनिंग डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आप यहाँ पे कितने बजे अपने रेस्टोरेंट को ओपन करोगे स्विगी पे और कितने बजे आप यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट को ऑफ रखने वाले हैं स्विगी पे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे जब सब कुछ अच्छे से फिलअप कर ले उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में एक प्रोसीड का ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पे सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और इसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा। तो अभी आपका यह पहला स्टेप था और इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या करना है कि आपको और भी दूसरा जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो इसमें आया था आउटलेट का टाइप, तो आपका रेस्टोरेंट जिस भी कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में अकाउंट का आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर ये सब डालना होगा और इसके बाद आप यहां से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, तो इसका हमने पूरा वीडियो फुल वीडियो अपलोड रखा है अपने चैनल पे, तो आप वहां पर जाकर के उसको अच्छे से देख सकते हैं। और अगर आप यहां पर हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, आप यहाँ पर इस पर डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं।